हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। और जो स्टूडेंट्स है, जो भी यूजर स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन्हीं के रिगार्डिंग में इस वीडियो में कुछ नई यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करके एक फ्री, घर बैठे फ्री कोचिंग का वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया है और आप उसमें बहुत सारी चीज़ें घर बैठे फ्री में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कैसे रजिस्टर करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप राजस्थान पत्रिका का आज का न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हैं तो उसमें आज आप देखेंगे कि ये मैं जयपुर से आपको बता रहा हूँ और राजस्थान पत्रिका me.next का ये पेज है और इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने पेज में यहाँ पे दिया है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी घर देगी घर बैठे फ्री कोचिंग। ठीक है, आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। ऐसे छात्र जो कोचिंग न जाकर स्कूल या कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के लिए घर पर ही तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें सिलेबस उपलब्ध होने के साथ पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, देश के टॉप विशेषज्ञों के मार्गदर्शन मिलेगा। ये ऑनलाइन क्लासेज जैसा ही होगा। भारत सरकार के सहयोग से IIT खड़गपुर की बनाई गई NLDI अब छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराएगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी यूनिक चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं कि किस तरह से ये एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करके इनका चैनल भी बना हुआ है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये सर्च करेंगे तो देखिए 17,400 सब्सक्राइबर्स है और ये इनका चैनल है। अभी हालांकि इस पर कुछ खास वीडियोस पोस्ट नहीं हुए हैं, आप चाहे तो इस चैनल को सर्च करके इस पर कुछ वीडियो जो पोस्ट हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, काफ़ी इंटरेक्टिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें पोस्ट की हुई है। इसके अलावा आप ये मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे NDL या फिर आप सीधा सर्च करेंगे गूगल में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा वही आप देख सकते हैं, ndl.iitkgp.ac.in। IITKGP मतलब IIT खड़गपुर का ये तैयार किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये वेबसाइट और एप्लीकेशन तैयार किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी इनके पेज बने हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ भी जाके देख सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आप इस पेज को लाइक करेंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स रहेंगे। देखिए, ठीक है, ऐसे ही आप इस वेबसाइट से डायरेक्ट इनके ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन पेज पर भी जाके इनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट्स ले सकते हैं। जो भी आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आप जैसे गूगल पे, एंड्रॉयड वाले गूगल पे क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर में डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, 1,000,000+ डाउनलोड्स इसके अभी तक हो चुके हैं, मतलब 1,000,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। रेटिंग 3+ की है और रिव्यू रेटिंग 3.6 है, 11,000 रिव्यू रेटिंग्स इसको अभी तक मिल चुकी है और इसके रिव्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं गाइस। तो ये है इस एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बारे में। बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है। इसमें रजिस्टर कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ।
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है अपने मोबाइल फोन में। ओपन करने के बाद में ये इसका होम पेज आपको दिखेगा, जहाँ पे विशिष्ट विशेषत्व जो सब्जेक्ट्स है उसके जो जो सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं। और विशिष्ट शिक्षण वस्तु प्रकार, पुस्तक, प्रश्न पत्र, अनुच्छेद, ये मतलब किस किस तरह का नॉलेज और डाटा आपको यहाँ पे मिल सकता है। थीसिस, ऑडियो ऑडियो वीडियो लेक्चर वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। और विशिष्ट स्रोत संरक्षण, कहाँ कहाँ से इसमें सोर्सेज लगाए गए हैं, IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड, अभियांत्रिकी में स्नातक योग्यता प्रशिक्षण, NPTEL, NCERT, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे सोर्सेज इन्होंने यूज़ किए। सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका लैंग्वेज का, अगर आप लैंग्वेज अपना मनपसंद का रखना चाहते तो यहाँ पे आपको टॉप राइट में लैंग्वेज बटन पे क्लिक करना है। इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उड़ीसा, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेज में ये अवेलेबल है, तो जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, और सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि आप टॉप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको पसंद हो वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 11 लैंग्वेजेज में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसमें कंटेंट अवेलेबल है, तो आप 11 लैंग्वेजेस में से जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, गुजराती, बंगाली, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया लैंग्वेज पार्ट की, आप अपने मनपसंद की लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपका इस एप्लीकेशन का मेन्यू बटन है, मेन्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। यहाँ मेन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का बटन आपको दिखेगा, आप लॉगिन पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करें। अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट बना रखा है तो डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के जरिए, अदरवाइज आप साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। साइन अप आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। साइन अप में आपको अपना फर्स्ट नेम, आपको लास्ट नेम देना जरूरी नहीं है तो, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको अपना यहाँ पे डालना है, ठीक है। पासवर्ड आपको अपना मनपसंद का पासवर्ड यहाँ पे देना, जो आप याद रख सको, बार बार आपको फॉरगॉट पासवर्ड ना करना पड़े। ये देखिए मैंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये डेट आ जाएगा, यहाँ पे ये मंथ आ जाएगा, और यहाँ से आपको आपका बर्थ ईयर यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना। आपका स्टेट यहाँ पे देना है, जैसे मैं राजस्थान से, मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। सिटी आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, ठीक है। और आपका एजुकेशनल रोल क्या है, कौन सा किस तरह का एजुकेशन आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, देखिए फर्स्ट टू फोर्थ, फिफ्थ टू एट्थ, नाइन्थ टेंथ, इलेवेंथ ट्वेल्थ, UGPG, करियर टेक्निकल स्टडी, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्नर, ये चीज़ें आप यहाँ पे करियर या टेक्निकल स्टडी पे भी आप क्लिक करेंगे, जो आपको सेलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी में आप आते हो, जो रोल आपका है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट का नेम भी यहाँ पे दे सकते हो अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो। इसके बाद में आपको ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करके मार्क कर देना है, यस आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एग्री द टर्म्स कंडीशंस। इसके बाद आपको साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है, जो लास्ट में साइन अप का बटन है इस पर, और पासवर्ड आपको यहाँ से सेव कर लेना है ताकि बार बार आपको पासवर्ड याद रखने की या लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, देखो मैंने सेव कर दिया था, अब मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। मेल आईडी नॉट वेरीफाइड, ओके। तो आपको अब लॉगिन करने से पहले आपको अपना मेल आईडी वेरीफाई करना होगा। मेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको
एक मेल आया है वेरिफिकेशन का, वो मेल कैसे वेरीफाई करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप अपना लैपटॉप में या मोबाइल में जैसे मेल आईडी ओपन करेंगे तो आपको ये मेल आया होगा NDL सपोर्ट का मेल। ये मेल को आपको ओपन करना है, यूजर वेरिफिकेशन आपको करना है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, टू वेरीफाई योर अकाउंट प्लीज क्लिक हियर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है या फिर ये लिंक कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो गया। थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर अकाउंट, प्लीज़ यूज योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टू लॉग इन। आप यहाँ पे प्रोसीड टू लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना मोबाइल ऐप में जाके ये यहाँ पे आपको लॉग इन कर देना है। सो गाइस, ये था रजिस्ट्रेशन साइनअप का प्रोसेस, किस तरह से आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन करके डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए ये कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और ये देखिए मेन्यू सेक्शन में अब आपका यहाँ पे लॉगिन कीजिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से कंटेंट सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट अगर आपको कोई टॉपिक पे सर्च करना हो। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया मार्केटिंग, इतना मैंने जैसे सर्च किया, देखते हैं आता कि नहीं कंटेंट मेरे लाइक ये मार्केट्स, मार्केट मेकिंग एंड मार्केटिंग। ये देखो इतने सारे टॉपिक्स पे कंटेंट मुझे अवेलेबल है मेरे लिए, प्रोड्यूस मार्केट्स एंड मार्केटिंग। अगर आप किसी भी टॉपिक पे जैसे ओपन होगा, सर्च पे आएगा, आप क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने के बाद में उसका डिटेल्स ओपन होगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप कंटेंट यहाँ से डाउनलोड या रीडिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब इस टॉपिक पे ये देखिए ऑथर का नाम दे दिया, पेज काउंट 398 पेज का ये बुक या जो भी है, साइज इन बाइट्स, फाइल फॉर्मेट PDF में, इंग्लिश लैंग्वेज में, पब्लिशर प्रोड्यूस मार्केट्स एंड मार्केटिंग, सोर्स इंटरनेट आर्चिव लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट कीवर्ड प्रोड्यूस ट्रेड फार्म प्रोड्यूस, सब्जेक्ट डोमेन इन DDC सोशल साइंसेस, कॉमर्स कम्युनिकेशन, कंटेंट टाइप टेक्स्ट, पब्लिशर डेट 1 जनवरी 1911, लर्निंग रिसोर्स टाइप बुक, और एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ओपन है, कोई भी इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आपको ओपन पे क्लिक करना है और फाइल व्यू पे आपको क्लिक करना है, तो आपका ये पूरा PDF फाइल ओपन हो जाएगा जस्ट लाइक ए बुक। और इसमें से जो भी आपको पढ़ाई करना है, आप जरूरी नहीं है कि ये ओपन करके रखो, आपको जब मर्जी तब इस PDF फाइल को सेव करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से ये फ्री एजुकेशन जस्ट लाइक ए कोचिंग आपको प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइस, सो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आराम से, जिसको भी ये पढ़ाई करनी हो। ठीक है, फाइल साइज थोड़ा बड़ा था, मैं देखता हूँ कोई छोटा फाइल मिल जाए तो। ये फाइल ओपन करते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल व्यू ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया पूरा फाइल, और इसका थोड़ा डिटेल्स भी दे रखा है इन्होंने। तो आप यहाँ पे PDF फाइल जो दिख रहा है इस पर डाउनलोड लिंक है, ये इस पर जैसे क्लिक करेंगे PDF पे तो ये PDF फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस आप यहां से यहां पे क्लिक करके या व्यू ओपन पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, और ये आप इसको लिंक को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहां पे शेयर करने का बटन भी है। देखिए ये देखिए आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या जीमेल में कहीं भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं फाइल को, और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। ठीक है गाइस, सो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की